अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हया जावेद। आप देख रहे हैं तो वॉइस ऑफ कश्मीर और कश्मीर ऑनलाइन है। नाज़रीन, हम आपको बताते चले कि चंद दिनों पहले यहाँ पे 12वीं जमात के नतीजे जो है उनका ऐलान कर दिया गया, और उसके बाद हालांकि रिज़ल्ट जो था काफ़ी मुतमईन हुए यहाँ पे लोग भी और स्टूडेंट्स भी। तो उसके बाद अगले ही रोज़ रिज़ल्ट निकलने के बाद कुछ बच्चों का हजूम J&K स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के बाहर जमा था, और यहाँ पे वो ये दावा कर रहे थे कि उन्होंने ये क्लास तो पास किया है, पास होने के बावजूद भी वो फेल है। तो ऐसे में बच्चों में क्या कन्फ्यूजन है, हमने कल जब ये बच्चे हमारे यहाँ प्रेस कॉलोनी आए तो हमने भी शायद समझा कि कोई ह्यूमन एरर होगा, लेकिन उसके बाद जब बोर्ड की जानिब से ये कहा गया कि कोई बच्चा जानबूझ के फेल नहीं दिखाया गया है, ना ही ह्यूमन एरर है, तो इसमें क्या कन्फ्यूजन पैदा हुआ। जॉइंट सेक्रेटरी J&K स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन एजाज साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन बच्चों के लिए ये काफ़ी अहमियत का हामिल है ये प्रोग्राम, जो ये समझते हैं कि पास होने के बावजूद भी उन्हें फेल करार दिया गया है। एजाज साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है तो वॉइस ऑफ कश्मीर और कश्मीर ऑनलाइन में। ये बताइए कि क्या कुछ माजरा है, थोड़ा सा वजाहत करेंगे आपके, क्यों यहाँ पे बच्चे एहतजाज कर रहे हैं और क्या कन्फ्यूजन है उन बच्चों में? कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। जहाँ तक 12th क्लास के रिजल्ट्स का ताल्लुक है, इसमें इस साल जो इंग्लिश पेपर था इसमें प्रैक्टिकल की मार्क्स भी थी। 80 मार्क्स थ्योरी के थे और 20 मार्क्स प्रैक्टिकल थे, और ये दोनों थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल ये सेपरेटली पास करना होता है। थ्योरी अलग से पास होना चाहिए और प्रैक्टिकल अलग से पास होना चाहिए। थ्योरी के लिए जो मिनिमम पास मार्क्स रिक्वायर्ड हैं वो 26 मार्क्स आउट ऑफ 80, और जो प्रैक्टिकल के लिए पास मार्क्स रिक्वायर्ड हैं 20 में से प्रैक्टिकल है पास मार्क्स उसके 7 हैं, तो 33% टोटल पास मार्क्स हैं 100 में से। अब जो बच्चा प्रैक्टिकल में फेल है तो वो टोटल मार्क्स देखता है, शायद मेरे टोटल मार्क्स ये बन रहे हैं तो मैं पास हो गया, ऐसी बात नहीं। या इसी तरह जो बच्चा जिसने थ्योरी में 26 मार्क्स मिनिमम पास मार्क्स नहीं लाए हैं 80 में से, तो वो बच्चा भी फेल है, क्योंकि उसने थ्योरी में फेल है या और प्रैक्टिकल में अगर पास होगा, लेकिन टोटल अगर उसका ये बनता है प्रैक्टिकल की वजह से पास मार्क्स, मगर थ्योरी में उसको मिनिमम पास मार्क्स नहीं है तो वो फेल ही है। इसमें जिस बच्चे को 5 मार्क्स अगर कम है, अगर एक ही सब्जेक्ट में फेल है, 5 मार्क्स अगर उसके कम है टोटल में पास होने के लिए थ्योरी में, तो उसको हम वो स्टैचू अवार्ड करते हैं। 5 मार्क्स थ्योरी के लिए वो अवार्ड होते हैं, ये कंसेशन प्रैक्टिकल के लिए अवार्ड नहीं होता। ऐसे बच्चे पास हुए हैं जिनके 2-3 नंबर, 4 नंबर या 5 नंबर तक उनको रिक्वायर्ड थे पास होने के लिए, वो नोशनल मार्क्स उनको मिले हैं, वो उसमें दिखाए नहीं हैं न थ्योरी में किसी सब्जेक्ट में, न एग्रीगेट टोटल मार्क्स में, तो वो वहाँ रिफ्लेक्ट नहीं है, लेकिन वो स्टैचू होते हैं, उससे बच्चा उसको ये कंसेशन ग्रांट है अकॉर्डिंग टू आवर रेगुलेशंस। इसी तरह जो बाकी पेपर्स भी हैं इसमें, तो हमने जो 70 मार्क्स अटेम्प्ट बच्चे को कहा था टोटल मार्क्स में, ओनली 70 मार्क्स टू बी अटेम्प्ट, 30 मार्क्स उनका रिलैक्सेशन था, तो फिर हमने उन 70 मार्क्स का प्रोपोर्शनेट किया 100। तो जो अभी टोटल मार्क्स जो 100 हैं, मैक्सिमम मार्क्स किसी भी पेपर के लिए जो बाकी हैं इंग्लिश को छोड़ के, आप 70 मार्क्स जैसे हम साइंस स्ट्रीम लेंगे, 70 मार्क्स हैं फिजिक्स के लिए, उसके पास मार्क्स बनते हैं थ्योरी में 25, और प्रैक्टिकल के 30 मार्क्स हैं, तो एक्सटर्नल प्रैक्टिकल के 20 हैं, इंटरनल प्रैक्टिकल के 10 हैं, तो 10 में से इंटरनल में मिनिमम पास मार्क्स 4 होने चाहिए और एक्सटर्नल में 20 में से 7 होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे टोटल एग्रीगेट में 36% पास है, जबकि इंग्लिश में 33%।
तो ये हैं इंग्लिश में, और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं इसमें ये फ़र्क है, 33% इंग्लिश में पास हैं, 36% बाकी सब्जेक्ट्स में पास हैं। तो 70 में से 25 थ्योरी में मिनिमम पास मार्क्स लाने हैं। अब किसी बच्चे ने 21 मार्क्स लाए हैं तो यहाँ से उसको प्रैक्टिकल में 30 है, 30+21 उसको 51 बनता है, लेकिन यहाँ पे 21 ही है उसको थ्योरी में, थ्योरी में वो फेल है। सो वो समझता है शायद मेरी 51 बन गई, मैं पास हो गया, लेकिन थ्योरी उसको इंडिपेंडेंटली पास करना है, ये दोनों चीज़ें सेपरेटली पास करनी है। तो थ्योरी में वो फेल हो गया, अब अगर खाली एक सब्जेक्ट में वो फेल है सपोज, तो उसको हम स्टैच्यू अवार्ड करेंगे, क्योंकि 21 है उसको 5 मार्क्स तक हम दे सकते, 4 मार्क्स उसको रिक्वायर्ड है वो उसको मिलेगी। लेकिन अगर वो दूसरे सब्जेक्ट में भी फेल है और उसमें सपोज उसको 3 मार्क्स कम है, यहाँ पे 4 है, 4 और 3 ये 7 मार्क्स बनते हैं, तो हम 5 तक ही जा सकते हैं, तो 2 मार्क्स उसके कम पड़ गए, इसलिए वो बच्चा पास नहीं है। लेकिन यहाँ से जो दूसरा बच्चा है उसको एक ही पेपर उसमें फेल था, तो उसको वो स्टैचू अवार्ड हो गए, ये बच्चा समझता है उसको फिजिक्स पास है, मुझे फिजिक्स फेल है, वो 21 पे पास है, मैं 21 पे फेल हूँ, ऐसा कि ये बात नहीं है। वो बच्चा उसको स्टैचू अवार्ड हो सकते हैं, क्योंकि उसको 4 मार्क्स रिक्वायर थे 21 के लिए, तो यहाँ बच्चा दूसरे पेपर में भी फेल हो रहा है तो उसको 5 से ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो अब ये है कि हमारे पास इसका भी हल है, अगर बच्चे को लग रहा है कि ये 1-2 मार्क्स उसको कम मिले हैं, तो हमने एक ये ट्रांसपेरेंसी रखी है, ज़ेरॉक्स की कॉपी हम प्रोवाइड करते हैं, तो एक मैकेनिज्म है हमारे पास उसी आंसर स्क्रिप्ट का जो उसने किया है, उसको एक ज़ेरॉक्स मिलेगा, उसके मार्क्स वो खुद देख सकता है किस क्वेश्चन के क्या आए हैं, तो टोटल मार्क्स मेरे क्या आए हैं। अगर उसमें उसको कुछ डिस्क्रिपेंसी लग रही है, शायद टोटल में कहीं एरर मत हुआ है इवेल्युएटर को, या अंदर कहीं कोई क्वेश्चन वो अनमार्क्ड तो नहीं है, तो उस सूरत में वो डायरेक्टली उस ज़ेरॉक्स ही लेके हमारे पास आए, ये डिस्क्रिपेंसी हम यहीं पे हम ऐसी उसको देख सकते हैं, उसको रिवेल्युएशन के लिए नहीं जाना है। लेकिन जिसको लगता है कि मार्क सारे अवॉर्डेड हैं, बाकी उनका टोटल भी ओके है, लेकिन हमें क्या है कि मार्क्स कुछ कम आए हैं, तो उसका एक प्रोसीजर है बाज़ाबता, तो वो रिवेल्युएशन के लिए अप्लाई कर सकता है, एक दूसरा एक्सपर्ट आएगा सब्जेक्ट का, वो उस पेपर को री इवेल्युएट करेगा, तो बच्चे को अगर उसमें नंबर चढ़ गए तो उसको वो बेनिफिट मिलेगा, अगर नहीं चढ़ गए कम आ गए लेकिन जो उसको पहले आए थे बेस्ट, तो बेस्ट आउट ऑफ दिस उसको मिल सकता है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। ये जो बच्चा कल एक पेरेंट आया यहाँ, तो उसने कहा ये मेरी बच्ची है, अब इसको 1-2 नंबर कम है, इसको दे दीजिए ना ये आप, तो इसका मसला हल कर दीजिए। तो ऐसी थोड़ी होता है ये चीज़ें, ऐसी थोड़ी ये इस तरह सोचना, ये बच्चों का मुस्तकबिल है, इसमें एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना है, एक प्रॉपर नॉर्म फॉलो करना है। हमारे पास बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है, और हमारी जो नोटिफिकेशन है इसके रिगार्डिंग जो हमने इशू की थी, वो बाज़ाबता हमारी वेबसाइट पे और हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशंस को गई हैं, हर जगह हर क्वार्टर पे गई हैं, तो ये इंफॉर्मेशन पूरी तरह डिसिमिनेट गई हैं, स्कूल्स में भी गई हैं। तो बच्चों को इसके रिगार्डिंग जिन 75% हमारा रिजल्ट है, तो अगर इतने बच्चों को कन्फ्यूजन नहीं है, तो जो रह गए 25% जो 1-2 मार्क से फेल हो रहे हैं, इससे ज़्यादा से फेल हो रहे हैं या कुछ और, तो वो किस कन्फ्यूजन के शिकार हो गए, उनको ये सोचना चाहिए कि उन्होंने इस पे ध्यान नहीं दिया है। तो एक्चुअली जो नोटिफिकेशन है वो क्लियर है, उसमें पूरा एक्सप्लिसिटली दिखाया गया है कि कितने क्या मार्क्स लाने हैं। तो अभी जो मैंने ये एक्सप्लेनेशन दी है, तो ये भी इस कन्फ्यूजन को पूरा इन बच्चों को दूर कर सकती है। लेकिन उनके लिए मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो पूरी तरह हमारे प्रोसीजर को फॉलो करें, जो भी हैं इसकी रेमेडियल मेजर जो है उसको फॉलो करें। दूसरा ये मैं बच्चों के लिए ये कहना चाहूँगा कि जिसका एक पेपर रेपियर है या 2 पेपर रेपियर हैं, वॉट एवर, तो एक बायनुअल की नोटिफिकेशन वेरी सून डैट विल कम, तो उन बच्चों को बायनुअल के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म भर के रखना चाहिए, वो उनको
किसी भी सूरत में मिस नहीं करना चाहिए वो अपॉर्चुनिटी। बायनुअल का एग्जामिनेशन फॉर्म भर के रखे अपने स्कूल्स के थ्रू, वो ऑनलाइन होगा फॉर्म भरना या वट एवर ऑफलाइन हो, डेट डिसीजन वी विल बी टेकिंग। तो वो फॉर्म वो भर दे, जिस भी पेपर के लिए उनको अपियर होना हो वो बायनुअल का एग्जामिनेशन फॉर्म वो ज़रूर भरे, और मीन वाइल वो रिवेल्यूशन के लिए भी अप्लाई करके रखें। और जिसको लगता है कि शायद मैंने पूरा कि वो पहले ज़ेरॉक्स ले, ज़ेरॉक्स पे अगर वो सेटिस्फाई हो गया या उसको लग रहा है कि नहीं इसमें कुछ, तो फिर रिवेल्यूशन के लिए भी अप्लाई कर सकता है। अच्छा सब एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा यहाँ पे, अगर पांच सब्जेक्ट्स है, पांच सब्जेक्ट्स में बच्चे ने चार सब्जेक्ट्स क्लियर किए हैं और एक सब्जेक्ट रह गया है, अगर पांच मार्क्स इस बच्चे को कम है तो वो पांच मार्क्स आप स्टैचू के तौर पे दे रहे हैं और बच्चा एग्जामिनेशन पास कर रहा है, क्या ऐसा प्रोसीजर है कि अगर छः या सात मार्क्स कम होंगे और चार में से पांच में से चार बच्चे ने क्लियर किए होंगे, क्या उसमें ये गुंजाइश है कि सात मार्क्स तक या इतना देखना कि चार सब्जेक्ट्स तो बच्चे ने क्लियर किए हैं, अब एक सब्जेक्ट में अगर छः मार्क्स आते हैं तो क्या ऐसे बच्चे को छः मार्क्स दिए जाते हैं या ये बच्चा भी वहीं पे रह जाता है? नहीं, पाँच मार्क्स से बियॉन्ड नहीं, किसी भी सूरत में नहीं। ए कैंडिडेट हु फेल्स इन वन और मोर सब्जेक्ट्स बाय डिफिशेंसी ऑफ नॉट मोर देन फाइव मार्क्स शैल ऑल्सो बी डीम्ड टू हैव पास्ड द एग्जामिनेशन बाय नोशनली एडिंग द रिक्वायर्ड मार्क्स आउट ऑफ फाइव मार्क्स टू हिज हर बेस्ट एडवांटेज, विच शैल हाउएवर नीदर बी एडेड टू द सब्जेक्ट नॉट टू द टोटल एग्रीगेट। दिस कंसेशन ऑफ अवॉर्डिंग नोशनल मार्क्स शैल नॉट बी अवेलेबल इन द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन नीदर इन इंटरनल असेसमेंट नॉर एक्सटर्नल असेसमेंट। अजय साहब आखिरी सवाल आपके लिए ये बताइए कि जो दसवीं जमात के नताइज है अभी यहाँ पे आजकल अफवाहें फैल रही है कि आज है, तो लगभग आपके हिसाब से कितने अभी दिन लग सकते हैं इस रिज़ल्ट? एक्चुअली हमने ट्वेल्थ क्लास का एग्जामिनेशन ये रिज़ल्ट डिक्लेयर कर किया, इसके बाद होते हैं कि बच्चों को कोई इशू होता है तो हमारे पास बच्चे भी यहाँ पर आते हैं, तो हम एक ब्रीदिंग टाइम थोड़ा देना चाहते हैं ट्वेल्थ के बच्चों को, तो उसके बाद ही हम टेंथ के बच्चों को एड्रेस कर सकते हैं, तो इसलिए हमने एक ब्रीदिंग टाइम दिया है, तो उसके बाद ही हम टेंथ का रिज़ल्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। अदरवाइज ये दिस इज़ जस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ कोविड प्रोटोकॉल एज वेल एज टू इन रेस्पेक्ट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, सो वी डोंट वांट कि यहाँ पे अननेसेसरली मतलब ज़्यादा भीड़ हो जाए। अभी ट्वेल्थ के बच्चे भी आ रहे हैं, उसके बाद टेंथ के भी आए, तो ओवर ज़्यादा भीड़ हो जाए अननेसेसरली, तो उसको एक ब्रीदिंग स्पेस दे के हम उसके टेंथ का रिज़ल्ट अकॉर्डिंगली डिक्लेयर करेंगे। नाज़रीन आपने देखा एजाज साहब के ख्याल क्या थे, वाज़ह कर दिया है इन्होंने, प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों आपने पास करने हैं, अगर दोनों में से आपने पास नहीं किया होगा तो आप फेल करार दिए जाएंगे। हाँ, वहाँ पे गुंजाइश है जहाँ पे इनको लगता है कि बच्चे को खाली पाँच मार्क्स पूरे किसी भी सब्जेक्ट में बाकी है, तो पाँच मार्क्स तक ही जा सकते हैं और आपको वो पाँच मार्क्स स्टैचू मार्क्स मिल जाएंगे, तो उस सूरत में आपको पास करार दिया जाएगा। दूसरी जानिब से आपके लिए बोर्ड ने काफ़ी सहूलियत रखी है कि अगर आपको लगता है कि ह्यूमन एरर है कहीं, आप निकालिए ज़ेरॉक्स कॉपी निकालिए और वहाँ पे चेक कीजिए कि कहीं ह्यूमन एरर तो नहीं है, और ह्यूमन एरर के बाद भी आपके लिए एक और बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको पूरा मौका दिया जाता है कि अगर आपको लगता है कि मेरे मार्क्स सही नहीं हुई है, चेकिंग सही नहीं हुई है, नए सिरे से मार्क्स देखना है कि इसको नए सिरे से देखा जाएगा कि क्या बच्चे ने सही तौर पे किया है, वहाँ पे भी आपको चांस मिलता है कि आपको दिया जाता है मौका, नए सिरे से पेपर चेक किया जाता है और अगर आप वहाँ पे पास होते हैं तो आपको पास करार दिया जाता है, और ये भी देखा जाता है कि अगर आपको वहाँ पे क्लियर नहीं है तो आपके वो मार्क्स वहीं पे रखे जाते हैं, आपसे छेड़ा नहीं जाता है, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो बोर्ड ने आपको दिया है। ऐसे में अननेसरली गैरमामूली तौर पे आप आते हैं स्कूल या यहाँ पे बोर्ड पे हंगामा करते हैं, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम भी खड़ा कर देते हैं, और यहाँ इनको जो काम करना है होता है बोर्ड वालों को, इन्हें भी आप डिस्टर्ब करते हैं, तो आज लगता है कि जो बच्चे ये दावा कर रहे हैं कि पास होने के बावजूद भी उन्हें फेल करार दिया गया है, आज उनको शायद ये क्लियर हुआ होगा, एजाज साहब ने जॉइंट सेक्रेटरी साहब ने पूरा क्लियर कर दिया कि असल में बात क्या है, तो हम तवक्का करते हैं कि जो भी बच्चे हैं या वालदैन हैं
खुसूसन वालदैन के भी जहन में भी आजकल कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है, तो वो भी समझ लेंगे कि असल में बात क्या है। तो हम शुक्रिया करेंगे अजय साहब का जिन्होंने हमें पूरा मौका दिया। अजय साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने यहाँ आए। आप इससे जो भी स्टूडेंट्स को इसके रिगार्डिंग कुछ कन्फ्यूजन था वो आई होप कि वो काफ़ी हद तक दूर हुआ होगा। तो मैं सारे स्टूडेंट्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने चैलेंजिंग सिचुएशन में मेहनत की और इस चैलेंजिंग सिचुएशन में ये एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट हो गया और उन्होंने इसमें पूरी अपनी कोऑपरेशन दे दी और पूरे जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट था और जो भी बाकी डिपार्टमेंट्स जिनका ताउन हमारे साथ था, तो ये एग्ज़ामिनेशन अच्छी तरह से कंक्लूड हुए और उसके बाद इनके नतीज जो बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी हैं तो वो सामने आए और तमाम बच्चों को मैं पेरेंट्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो नाज़रीन आप देखते रहिए द वॉइस ऑफ कश्मीर और कश्मीर ऑनलाइन। अपने मेज़बान हाया जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगेबान।